हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली हुई ये वैकेंसी है, जिनमें से टोटल 2900 प्लस पोस्टें हैं, और वो भी कैसी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका डेट देख सकते हैं, 16/12/2021 RAF नंबर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, देखिए विभिन्न वेरियस पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लड सेल में निकाली गई हैं, कम्युनिटी प्रोसेस में, नेशनल प्रोग्राम में, और NUHM में नेशनल प्रोग्राम, वो भी ये अपना सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS की भी निकाली गई हैं। टोटल कितनी पोस्टें हैं, 293। ठीक है, और इसका पे स्केल कितना है, 28,015 रुपये है। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट कब से है, तो ये हमारी 18/18/2021, और क्लोजिंग डेट कब है, तो हमारी क्लोजिंग डेट है 7 जनवरी 2022। ठीक है दोस्तों, क्या दिए हुए हैं, डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑफ NHM वेबसाइट मे बी रेफर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप कोई भी डिटेल चाहिए आपको, तो वो आप NHM की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। अ कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट टिल, मतलब कि जो कैंडिडेट इस पे इंटरेस्टेड हैं, वो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, तुरंत ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। और कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री ऑफ सिलेक्टिंग ऑप्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना। अब देखिए, जैसे प्रोग्राम नेम में, ब्लड सेल में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिजायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, तो हम अपने किसके बारे में बात करेंगे, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है, या आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए, 2 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, और थर्ड क्या है, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और यदि आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन दी हुई है, डिजायर क्वालिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आपको इन लोगों से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, अगर आपके पास हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और आप फॉर्म को भरने से पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मतलब कि आप टेस्ट सिटी को अपने अनुसार, टेस्ट सिटी का मतलब क्या है, मतलब कि आप अपने अनुसार जहाँ भी डालेंगे वहाँ पर आप को टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और इस पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा, जिसमें सेक्शन 1 80 मार्क्स का होगा, जिसमें कि क्या आएगा, हमारा प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, जिसमें डिसिप्लिन एंड डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और 20 मार्क्स का जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। और इस पे कैसी क्या चीज़ है दोस्तों, जो 1-1 मार्क्स का होगा, और नो निगेटिव मार्क्स मार्क्स होगा, मतलब कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स वेल बी एज फॉलो, मिनिमम जनरल के लिए 33%, OBC के लिए 30%, और SC ST के लिए कितना, 24% है। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा दोस्तों, वैसे तो हमने सभी कुछ वीडियो में कवर कर दिया है,
अपर एज लिमिट मतलब कि इसको 40 ईयर तक के लोग ही भर सकते हैं, मतलब कि जो सीनियर ट्रीटमेंट का है उसको 40 साल के तक के लोग ही भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिएगा, और इसमें क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन, रीडिंग, अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भरने से पहले आप देख लीजिएगा, ये आपको मतलब कि भरना होगा, मतलब इसके साथ असिस्ट करना होगा, और देख लीजिए सब दिए हुए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश की ओर से। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।